साल 2024 इलेक्शंस का साल होगा अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है इस साल आधी दुनिया में इलेक्शंस होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने साल 2024 एक ऐसा साल है जो बार बार आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं देगा जब दुनिया के लगभग 64 कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले हैं ये अलग अलग समय पर होंगे लेकिन इसके पहले क्या आपने ऐसा कभी देखा था कि इतनी सारी कंट्रीज में एक साल में इलेक्शंस हो रहे हैं बट 2024 इज रियली गोइंग टू बी क्वाइट स्पेशल इन दैट वे इस समय दुनिया के बहुत सारे अखबार इसको कवर कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेनी इंटरनेशनल न्यूज चैनल एंड मीडिया हाउसेस आर कवरिंग दिस न्यूज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कि ये अपने आप में देखना बहुत अनोखा होगा कि दुनिया की आधी आबादी वोट डालने जाएगी अपने अपने देशों में और अपने अपने लीडर्स को चुनेगी तो कई सारे न्यूज इसमें कवर किए गए हैं इसमें आप वैसे तो देख ही सकते हैं कि इंडिया में तो इलेक्शंस होने वाले हैं ही लेकिन इंडिया के अलावा बहुत से ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां इस साल इलेक्शन होने वाले हैं अब इसके ऊपर एक जो बड़ा कैप्चर करने जैसा एक पार्ट आया था वो था इलान मस्क का ट्विटर हैंडल जिसमें इॉन मस्क ने ये बात बोली है कि 2024 इज गोइंग टू बी मोर क्रेजी ओके सो डेफिनेटली इनका इशारा इलेक्शंस के तरफ ही था ओके okay, अब ये किस हिसाब से क्रेजी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस कहा होने वाले हैं और टोटल कितने कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं आइए देखते हैं अंत तक बने रहिएगा इस न्यूज में आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा सो so, मेरे पीछे आप देख सकते हैं दुनिया का एक नक्शा जो कि टाइम मैगजीन ने प्रकाशित किया है और यहाँ पर रेड कलर में आपको जितनी कंट्रीज दिख रही है ये सारी की सारी वो कंट्रीज है जहां इस साल इलेक्शन होने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमारा प्यारा भारत उसके बाद रशिया में इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद फिर अफ्रीका के कुछ नेशंस में इलेक्शन होने वाले हैं नीचे साउथ है, अफ्रीका में भी इलेक्शन होने वाले हैं मैदागास्कर में इलेक्शन होने वाले हैं इंडोनेशिया दिख रहा है हमको यहाँ पर ठीक उसी तरह से अमेरिका यहाँ साफ दिखाई दे रहा है मैक्सिको साफ दिखाई दे रहा है एंड देन यूरोप का तो लगभग लगभग पूरा पार्ट यहां कवर है जहां इलेक्शन हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम तो हर जगह बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के सबसे ज्यादा जाने पहचाने चेहरे अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी इंक्लूडिंग जो बाइडन एंड इवन व्लादिमीर पुतिन तो क्या होगा ऊट किस करवट बैठेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपने आप में वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा और पूरे साल भर इस साल आपको इलेक्शंस की बातें सुनने को मिलेंगी तो मुझे लगता है कि राजनीति में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये साल वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज्यादा बड़े डेवलपमेंट्स वाला होगा लेकिन बहरहाल इसमें दो देश ऐसे हैं जिनके इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एक प्राइमरीली हमारे लिए हमारे देश के इलेक्शन है जो इस साल मई में, में होने वाले हैं 2024 आम चुनाव और उसके बाद फिर अमेरिका दुनिया की एक बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर सो so, वहां सत्ता में कौन बैठेगा जो बाइडन दोबारा इतने लकी होंगे कि लोग उनको फिर से चुनेंगे या नहीं ये अपने आप में देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा सो so, देखते हैं कि क्या होगा लेकिन इंडिया और अमेरिका के अलावा दुनिया के टॉप टेन कंट्रीज जहां इलेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ नट शेल में देखिए भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं और भारत में इस समय ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 143 करोड़ की पॉपुलेशन पे राज करने के लिए एक लीडर चुना जाएगा ओके प्राइमरीली इट्स बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टीज ओके बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज इन सबके बीच में ही घमासान लगा हुआ है एंड लार्जली ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह के प्रोमिसिंग रिजल्ट्स बीजेपी ने हासिल किए अलग अलग स्टेट इलेक्शंस में क्या एक बार फिर से जनता उनको केंद्र सरकार के लिए साल 2024 से 2029 के लिए मौका देती है या नहीं और भारत की लीडरशिप इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन चुका है भारत तो ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा दुनिया के लीडर्स के लिए भी कि जो लीडर भारत में चुना जाएगा उसके हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस सेट हो जाएंगी अक्रॉस द ग्लोब राइट सो ऑफ कोर्स इंडियन इलेक्शन विल बी प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा नंबर दो पे आते हैं यूरोपियन यूनियन देखिए यूरोपियन यूनियन में ऑलमोस्ट आप जानते ही हैं कि 27 कंट्रीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा बेनिफिट भारत का एक नजरिए से देखा जाए तो वो है इन्वेस्टमेंट परपज और इसीलिए इन्वेस्टमेंट परपज बायोलेटरल ट्रेड के लिए मल्टी ट्रेड के लिए यूरोपियन यूनियन जैसा संगठन ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मायने रखता है इसलिए यूरोपियन यूनियन का लीडर जो भी होगा उसके साथ डेफिनेटली बहुत कुछ यूरोप के लिए हमारे लिए नए रास्ते बनेंगे नए समीकरण बनेंगे राइट right? इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगली कंट्री तो डेफिनेटली इट्स अमेरिका एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते और दूसरी तरफ एक पुराने लीडर जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जो बाइडन राइट तो यहां पर घमासान होने वाला है फिर से रिपब्लिकन पार्टी वर्सेस डेमोक्रेट्स के बीच में और एक बार फिर से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है दरअसल देखा जाए तो जिस तरह की जिस तरह के पॉलिटिकल विचार डोनाल्ड ट्रंप के रहे हैं व्हेन 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 इट 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 इज 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 अबाउट 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 चाइना कोविड ओके सो डेफिनेटली उससे बिल्कुल अलग जो बाइडन के विचार रहे हैं इनफैक्ट ये भी एक बात बहुत ज्यादा पॉइंट करने लायक है कि अभी जितने भी डंकी अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई थी डंकी जिसमें दिखाया गया है कि बिना पासपोर्ट के किस तरीके से लोग एक से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं जिसमें मौतें हो जाती है बहुत तकलीफ होती है तो ऐसे जितने भी डोंकी फ्लाइट के थ्रू डंकी रूट से जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको भी ऐसे इमिग्रेंट्स को भी शरण देने की बात अमेरिका ने की है जबकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही इस तरह की चीजों के खिलाफ रहे हैं तो ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के इलेक्शन में एग्जैक्टली अमेरिका में क्या स्टैंड होगा और किसकी लीडरशिप चमकेगी राइट भारत के नजरिए से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर साबित हुआ है इसके अलावा द फोर्थ पाकिस्तान, अ ऑफ़ फोर करोर पीपल जो कि भारत का नेबर है हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी नहीं अटल बिहारी साहब ने यह बोला था और वाकई में सच है हमारे लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में नई लीडरशिप क्या आती है उसके हिसाब से पाकिस्तान के थ्रू हमें कितना डिस्टर्बेंस मिलेगा या कितनी शांति प्रिय सरकार रहेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा वैसे लगभग लगभग ये बात तय मानी जा रही है कि इस बार तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान का दोबारा नंबर ना लगे और क्योंकि मिलिट्री ही बहुत कुछ गवर्न करती है तो अगला लीडर कौन होगा ये भी कहीं ना कहीं मिलिट्री के सपोर्ट और मिलिट्री के कंट्रोल में हो सकता है लेकिन फिर भी ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ये डिपेंड करेगी कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन आने वाले दिन में किस हद तक बदलते हैं किस हद तक सुधरते हैं उसके बाद पांचवे नंबर पे है दोस्तों बेगम शेख हसीना की सरकार और उनकी पार्टी बांग्लादेश भारत के दोनों ही पड़ोसियों के यहाँ इलेक्शन है 16 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की और इस समय बांग्लादेश एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है बांग्लादेश में देखते 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 एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल डेवलप हो चुका है जहां पर लोग कहीं ना कहीं शेख हसीना के अगेंस्ट है लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उसको ऑलरेडी बेगम शेख हसीना ने 10 साल के लिए जेल में भिजवा दिया है लार्ज so, अगर देखा जाए तो लोगों के पास अभी फिर से चॉइस ऑफ प्रेफरेंस नहीं है तो क्या वाकई में शेख हसीना की गवर्नमेंट फिर से पावर में आ जाएगी क्या फॉरेन रिजर्व के प्रॉब्लम बांग्लादेश के सॉल्व हो जाएंगे क्या उसके हिसाब से बांग्लादेश और भारत के संबंध भी काफी हद तक और बदलेंगे सुधरेंगे ये होगा या नहीं होगा ये अपने आप में जानने वाली बातें रहेंगी बट वी विल गोइंग टू हैव अ गुड वॉच ऑन दैट Then the next country, very interesting one, is United Kingdom. क्या वाकई में सुधा मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक इस बार जनता का भरोसा जीतने में सक्षम रहेंगे क्या वाकई में ऋषि सुनक इस बार इलेक्शंस जीत पाएंगे ये भी अपने आप में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऋषि सुनक जब पावर में आए तो उस समय वो उस पार्टी के थ्रू चुन लिए गए थे लेकिन जनता ने अभी भी ऋषि सोनक को वोटिंग के थ्रू नहीं जितवाया है तो ये पहला इलेक्शन है जिसमें उनको अपनी दावेदारी पेश करनी है और जनता का भरोसा जीतना है ये बातें भी हैं कि अमेरिके सॉरी यूके में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि इस बार वहां पर इलेक्शन होंगे सो तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ऋषि सुनक की इस बार फिर से किस्मत खुलने वाली है या नहीं अब बात करते हैं यूक्रेन की देखिए हम सबको पता है कि वलुदिमिर जेलेंस्की जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस समय पूरे यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा के रखा हुआ है एक और यूक्रेन डेमोक्रेसी की बातें करता है और दूसरी तरफ यूक्रेन पिछले दो साल से लगातार चले आ रहे युद्ध के वजह से मार्शल लॉ में फंसा हुआ है सो क्या वाकई में उनके यहां इस बार इलेक्शंस होंगे क्या स्थितियां नॉर्मल होगी और स्थितियां नॉर्मल होगी तो क्या लोगों का गुस्सा इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर जेलेंस्की पड़ेगा या फिर उनको एक पूरी सिंपति और सपोर्ट मिलेगा रशिया के खिलाफ लड़ने का जहां पर वो वंस अगेन एक बड़े लीडर के रूप में सामने आएंगे लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि उनके कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है सो इलेक्शंस होंगे या नहीं इस बात की कोई हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं ली जा सकती श्रीलंका काफी दिनों से अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता हुआ श्रीलंका फाइनली धीरे 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 पटरी पे आने की कोशिश कर रहा है साल 2020 और साल 2021 बहुत ही खराब रहे श्रीलंका के लिए जहां पर न केवल टूरिज्म पूरा बर्बाद हुआ बल्कि उसके साथ साथ जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आए फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया और साथ ही फॉरेन रिजर्व तो कंप्लीटली डिप्लीट ही हो गए और उसके बाद फिर श्रीलंका के चाइना के साथ जिस तरीके के संबंध रहे चाइना से उनकी नजदीकिया भारत के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग और आईएमएफ के साथ उनके जो तालमेल ठीक से नहीं बैठे ये सारी ही चीजें इस समय श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और श्रीलंका की भी आबादी लगभग दो करोड़ के आसपास है इट्स यू नो पॉपुलेशन वाइज अ साइजेबल कंट्री तो जहां पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है तो रानिल विक्रमा सिंघे क्या वाकई में एक बार फिर से अपनी कुर्सी यहाँ बचा पाएंगे क्या एक बार फिर से जनता उनको मौका देगी ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा श्रीलंका की भी राजनीति का भारत पे बहुत असर पड़ता है क्योंकि श्रीलंका स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश रहा है इसलिए वहां पर चुनी जाने वाली सत्ता ये निर्धारित करती है कि भारत के साथ उनके आने वाले समय में संबंध कैसे होंगे और उसके बाद लास्ट में एक और फॉर्मैलिटी है दैट इज रशिया इसको मैं फॉर्मैलिटी इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि सबको पता है कि थे भी व्लादिमीर है भी व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन पुतिन और रहेंगे भी व्लादिमीर पुतिन तो उस आदमी का तो कोई है ही नहीं और वो अपने खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज को ज्यादा देर तक टिकने देते ही नहीं तो मुझे तो लगभग लगभग यहाँ पर हंड्रेड परसेंट यकीन है कि व्लादिमीर पुतिन के अलावा वंस अगेन रशिया के पास कोई जवाब होगा ही नहीं हाँ अब अचानक से अगर मान लो कोई रिवॉल्यूशन हो गया कोई एकदम क्रांति हो गई और उसके बाद पब्लिक सड़कों पे उतर आई और लीडरशिप चेंज करने की बातें कर दी जिसके चांसेस कम है अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि कोई नया चमत्कार देखने को मिले अदरवाइज मुझे लगता है व्लादिमीर पुतिन कैन बी वंस अगेन द फेस ऑफ द नेशन तो वो शायद रशिया में वंस अगेन रशियंस की किस्मत चमकाएंगे तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इस समय इलेक्शन सबसे ज्यादा दिलचस्प और देखने लायक होंगे और जिसका भारत पे सीधा असर पड़ सकता है लेकिन इसके अलावा अभी भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां इलेक्शन होंगे तो जाते जाते आपको फिर से एक बार याद दिला दू सिक्स कंट्रीज में इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं और अपने आप में ये बहुत अनोखा है और साल भर के लिए हमारे लिए जीके का सब्सटेंस मिलता रहेगा इससे तो दैट्स ऑल गाइस न्यूज ऑफ द मोमेंट में आज के लिए केवल इतना ही ऐसी शॉर्ट न्यूज के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए दैट्स ऑल जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र